मेरा नाम है अंकुर जैन और आप मुझे इस वक्त बीबीसी हिंदी के पन्ने पे और बीबीसी गुजराती के पन्ने पे देख रहे हैं। मैं हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में। ये वही जंतर मंतर है जो अपने विरोध प्रदर्शनों के लिए दिल्ली में जाना जाता है। और आज मेरे साथ यहाँ पे हैं कुछ कश्मीरी युवक जो एक अलग तरह का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस विरोध प्रदर्शन के दरमियान आपने एक कविता पढ़ी थी, शुरुआत करेंगे उसी से। मुकम्मल नहीं हुई ईद मेरी, मुकम्मल नहीं हुई ईद मेरी, ईदी में तेरा मिलना बाकी है माँ, तेरे संग बातें करना, हंसना खिलना बाकी है माँ, बाकी है तेरी गोद में सर रख के रोना, अभी तुझे देखना कुछ ना कहना, होंठों का सिलना बाकी है माँ। थैंक यू। तो इस कविता से आप क्या कहना चाह रहे हैं? आज ईद का मुबारक मौका है और 7-8 दिन हो चुके हैं, हमारे घर पे बात नहीं हुई है, तो हमारे लिए ईद नहीं है। हम ईद यहाँ पे हम इकट्ठे हुए हैं तो ईद मनाने के लिए नहीं, बल्कि ईद ना मनाने के लिए। हमारी ईद शुरू होती है जब हमारे घर पे बात होती है। ऐसा नहीं है कि हमने दिल्ली में पहले ईद नहीं मनाई है, हमने ईद मनाई है, पर वो इस तरह से कि ईद होती थी तो पर्सनली फॉर मी मेरी माँ कॉल करती थी सुबह, कहती थी बेटा ईद मुबारक, वैसे हमारी ईद शुरू होती थी। आज हम नहीं जानते कि हमारे घर पे ईद मना रहे हैं, नहीं मना रहे हैं, किस तरह मना रहे हैं, तो हमारे लिए ईद नहीं है। पर हम शुक्रगुजार हैं उन लोगों का जो यहाँ पे हमारे साथ इकट्ठे हुए और हमें एक एहसास कराया कि हाँ, लोग जिंदा हैं, इंसानियत जिंदा है। तो मैं दर्शकों को याद दिला दूं, मैं अभी हूँ दिल्ली के जंतर मंतर में, आप देख रहे हैं बीबीसी हिंदी का फेसबुक लाइव। मेरे साथ कुछ कश्मीरी युवक हैं जो अपने घर वालों से पिछले कुछ दिनों में कश्मीर में जो हालात हैं उस वजह से बात नहीं कर पाए हैं, और वहाँ यहाँ वो कश्मीरी लोगों के साथ और कई सारे लोगों के साथ ईद मना रहे हैं, ऐसा नहीं कहेंगे। सर, आपने जिसे कहा हम ईद मना ना रहे हैं ना मना सकते हैं, जब हमारे घर के बाकी जो लोग हैं हमें पता नहीं है वो किन हालात में हैं, क्या कर रहे हैं, अभी किसी से गले मिल रहे हैं या किसी को गले लगाकर रो रहे हैं, तो जब ऐसे हालात हो तो कोई भी ईद नहीं मना सकता। किसी भी जो जम्मू कश्मीर से वास्ता रखते हैं उनके किसी के लिए भी ये ईद ईद नहीं है, इसमें ईद वाली कोई बात ही नहीं है। ना आप अपने परिवार के साथ हैं, ना आप ये जानते हैं आपका परिवार कैसा है, किस हाल में है और कब तक उस हाल में रहेगा, तो इस ईद में कुछ भी ईद जैसा नहीं है। और ये ईद बिल्कुल नहीं थी, ये एक बहुत ही सिम्बॉलिक रिप्रेजेंटेशन था ऑफ द फैक्ट कि हमको अपने घर वालों से हम दूर हैं, कोई रابطہ नहीं है, ना हम बना सकते हैं अगर चाहें भी तो हम। और ये पहली ईद नहीं है जो हम घर से दूर मना रहे हैं, पर ये पहली ईद ज़रूर है जहां हम अपने घर वालों से बात तक नहीं कर पा रहे हैं। तो आखिरी बार कब आपकी अपने घर वालों से बात हुई थी? 4 अगस्त को। और अब जो आप समाचारों में पढ़ रहे हैं, जो देख रहे हैं, क्या हालात दिख रहे हैं आपको? हालात किस कौन सी बात पर हम यकीन करें वो समझना भी मुश्किल है, क्योंकि अलग अलग चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं। पर चाहे हम किसी भी नैरेटिव पर विश्वास करें, दोनों ही हमारे लिए घबराहट पैदा करते हैं। अगर मैं वो विजुअल देखूं जहां एक आर्मी वाले इंश्योर कर रहे हैं और सड़कों पे कोई नहीं है, वो भी मेरे लिए उतना ही दुखद है जान के कि मुझे नहीं पता मेरा परिवार किस हाल में है उस घर के अंदर जहाँ एक बाहर आर्मी वाले खड़े हैं। और ये देखना कि एक लोगों का हुजूम आया हुआ है जो सड़कों पे हैं, जो अपनी बात कहना चाहते हैं और जिनको पैलेट या इन सब चीज़ों से मिला जा रहा है, तो वो भी मेरे लिए उतना ही दुखद और परेशान देह है। तो और लोगों से बात करेंगे, आप इस कार्यक्रम में शरीक हुई हैं, आप क्या पिछले साल जब ईद का त्यौहार था तब आप दिल्ली में ही थी कि आप कश्मीर में थी, क्या महसूस कर रही हैं अभी आप? जब पिछली बार ईद थी तो हम अपने घर में श्रीनगर में थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, आज जैसा कुछ भी नहीं था, हम सब साथ में थे और बहुत खुश थे। पर इस बार ऐसा कुछ भी नहीं है, इवन जो लोग वहाँ हैं उनको मतलब कल के कंपैरिजन में आज वहाँ सब कुछ बंद है, किसी को ईद नमाज़ की भी इजाज़त नहीं दी गई, वहाँ पे इतना भी रिलैक्सेशन नहीं था किसी भी बड़ी मॉस्क में या किसी भी बड़े दरगाह में, जहाँ इवन हजरत बल में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ईद की नमाज़ ना हुई हो इतने सालों में, जब बहुत ही ज़्यादा मिलिटेंसी वगैरह थी वैली में तब भी ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वहाँ पे नमाज़ ना पढ़ी गई हो, लेकिन इस बार वहाँ भी किसी ने ईद की नमाज़ नहीं पढ़ी।
तो इस कार्यक्रम में जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, सिर्फ कश्मीरी ही नहीं, कई सारे लोग शरीक हुए हैं। कई सारे लोग अपने घर से टिफ़िन में कोई ईदी लेकर आया है, कोई बिरयानी लेकर आया है, और कई सारे लोग इस कार्यक्रम में शरीक होकर एक साथ ईद मना रहे हैं। कई और कुछ और लोगों से बात करते हैं कि आपका नाम क्या है और आप कहाँ से आए हैं। मेरा नाम मुदासिर है और मैं भी कश्मीर से हूँ। और जो आजकल हो रहा हुआ है या जो भी अभी हुआ है, ईद पे उन लोगों ने बंद किया, जैसा कि हज़रत बल में नमाज नहीं हुई या बाकी जगह पे नमाज नहीं हुई, और ऐसे एक दिन में इनने कर दिया, दिस इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। और इनने जैसे ये किया एक ही झटके में, जिन लोगों के लिए किया उन लोगों को तो पता ही नहीं रखा कि आप ऐसा कुछ होने वाला है। ऐसा बताया गया कि कुछ बड़ा होने वाला है, लेकिन क्या होने वाला है वो नहीं बताया गया। और इसके लिए वी आर कम्प्लीटली डिसहार्टेड। वट एवर द फेथ वी हैड इन इंडियन डेमोक्रेसी इज़ लॉस्ट। दे आर टेलिंग अस दैट डेमोक्रेसी इज़ फॉर द पीपल, बाय द पीपल एंड टू द पीपल, बट वी आर आउट ऑफ डेमोक्रेसी। वी दे डिडंट इवन टोल्ड अस वट विल बी देयर नेक्स्ट स्टेप। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वट दे हैव डन इज दे हैव डिवाइडेड द स्टेट इन टू टू पार्ट्स। दे आर We don't want to, you know, they are saying that this is for the prosperity and the development of Kashmir. We don't want development at the cost of unhappiness. We are not happy with the policies that are being implied. कई सारी जगह पे सरकार का जो बयान आ रहा है या कई एक alternate voice जो निकल के आ रही है, उन लोगों का कहना है कि कश्मीर की समस्या या कश्मीर के मसले को हल करने के लिए 370 वो पड़ा हुआ है जिसके बाद उस हल तक पहुँचा जा सकता है। See, absolutely, you know, one can express his views कि वो बोल सकते हैं कि उसके बाद जो है 370 आर्टिकल या 35A को हटाने के बाद जो है वहाँ डेवलपमेंट आ सकती है। लेकिन अगर क्या कश्मीर के लोग वो चाहते हैं? क्या कश्मीर के लोग चाहते हैं कि हमसे बिना पूछे आप जो है हमारी जो पूरी हिस्ट्री है, जो 70 ईयर्स के जो हमारा हुआ था इलहाक उनके साथ हुआ, तो वो आप हटा दें? नहीं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं। आप हटाना चाहते हैं, आप हमसे और क्या और क्या तरीका हो सकता था? तरीका ये हो सकता था, देखिए, इंडियन गवर्नमेंट ये हटाना चाहती थी आर्टिकल, आप हटाएं, लेकिन आप कश्मीरी लोगों से तो पूछे वो क्या चाहते हैं। अगर आप हटाना चाहते हैं, कश्मीरी नौजवान, द यूथ ऑफ कश्मीर, दे वुड, यू नो, टेक देम इन कॉन्फिडेंस, टेल देम दैट वी वांट टू एब्रोगेट द आर्टिकल 370, व्हाट आर योर व्यूज। नो, मिस्टर नरेंद्र मोदी सेड दैट वी वांट यूथ ऑफ, यू नो, जम्मू एंड कश्मीर टू जॉइन पॉलिटिक्स, बट यू नो हाउ वुड वी जॉइन द पॉलिटिक्स व्हेन नोबडी हैज टेकन अवर व्यूज। तो यहाँ पर जो माहौल है उसे अगर दो पंक्तियों में कहना है तो ईद आई तुम ना आए, क्या मज़ा है ईद का, ईद ही तो नाम है एक दूसरे के दीद का। बात करते हैं मारूफ से। यहाँ मारूफ यहाँ थे जो हमसे बात करना चाह रहे थे। मारूफ, आप हमसे कुछ कहना चाह रहे थे कि ये ईद का त्यौहार है, आप ईद में आपने सोचा होगा कि ये ईद आप किस तरह से मनाएंगे, और आज आप इस कार्यक्रम में शरीक हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बड़ा अनफॉर्चुनेट फील कर रहे हैं हम, क्योंकि पिछले 7 दिनों से घर वालों से बात ही नहीं हो रही सर। इवन इससे पहले भी हमने त्यौहार मनाए हैं, घर से बाहर मनाए। थोड़ा सा जोर से बोल सकते हैं, शायद दर्शकों आपको आपकी आवाज़ नहीं पहुँच रही होगी। श्योर सर, इससे पहले भी हमने त्यौहार मनाए, घर से बाहर मनाए हैं, बट एटलीस्ट हम सुबह जब उठते थे सबसे पहले घर फ़ोन करके उन्हें विश करते थे सर। इस बार हम बहुत अनफॉर्चुनेट फील कर रहे हैं कि हम उन्हें विश नहीं कर पाया, और इवन हमें ये भी नहीं पता कि वो ठीक है, कहाँ है, कैसे है, पिछले 7 दिनों से बात भी नहीं हुई। पर कई सारे लोग आए हैं मारूफ यहाँ पे जो कश्मीरी नहीं है, जिनका कश्मीर से वास्ता नहीं है, लेकिन आप लोगों के साथ ईद में यहाँ शरीक होने आए, क्या कहते हैं आप इस सॉलिडारिटी को देख के? खुश है सर, अभी भी इंडिया में ऐसे लोग हैं, दे स्टैंड फॉर ट्रुथ। तो बात जब त्यौहार की आती है तो त्यौहार में नए कपड़े होते हैं, खाना होता है, अपने लोग होते हैं, लेकिन आज यहाँ पे माहौल देखे तो यहाँ माहौल प्रोटेस्ट का है या माहौल विरोध का है। हमने जिनसे भी यहाँ बात की वो कह रहे हैं कि वो यहाँ ईद मनाने नहीं आए हैं, वो यहाँ अपना विरोध जताने आए हैं, लेकिन कई सारे लोग यहाँ पे जो हैं जो अपना टिफ़िन, जो अपने घर से कुछ खाना बना के लेके आए हैं। बात करते हैं उन लोगों से जो अब जो यहाँ बैठ कर ईदी ले रहे हैं। और सर आप यहाँ पे बिल्कुल, ये ईद मुबारक, ईद मुबारक आपको भी। तो ये जो कार्यक्रम है जंतर मंतर जाना जाता है विरोध प्रदर्शनों के लिए, अलग तरह का विरोध है, यहाँ त्यौहार भी है लेकिन बात विरोध की भी है। तो ये आप जो सभी के लिए लेके आए हैं, क्या आप कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं? आपका थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम जॉन दयाल है, मैं कश्मीर से भी ताल्लुक़ रखता हूँ और सब जगह से ताल्लुक़ रखता हूँ। तो ये जो कार्यक्रम है, जो लोग अपने परिवार वालों से बात नहीं कर पा रहे,
इनकी इस परिस्थिति पे आप क्या कहेंगे? अभी तो यही कर सकते हैं कि दिखा सकते हैं कि हम उनके साथ हैं, और माँ बाप तो हम नहीं हैं मगर भाई और बहन तो हैं, उससे बड़ा नाता और क्या हो सकता है आज के ज़माने में। मेरा ख्याल है यही एक रिश्ता है जो टूटता नहीं है, जिसमें दरारें नहीं आती, जिसको 370 या कुछ भी कोई तोड़ नहीं सकता, और उसको जाहिर करने का बहुत छोटा तरीका है, मगर क्या कर रहे हैं। तो अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं कश्मीर से। नहीं, गलत कह रहे हैं आप, कश्मीर से खबरें नहीं आ रही हैं, मेन मुद्दा ये है कि कश्मीर से खबरें नहीं आ रही, जो आनी चाहिए, जो हर एक आदमी की, हर एक बच्चे की खबर आनी चाहिए, जहाँ पे देख सकते हैं। ये नहीं कि जहाँ पे कैमरा किया है बस जो दिख रहा है वही सच है, जहाँ पे कैमरा नहीं है वहाँ पे क्या हो रहा है ये बताइए आप हमको। तो यहाँ कुछ और लोगों से बात करेंगे, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया। आप जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे ये कार्यक्रम है, जो जहाँ पे कई सारे लोग आए हैं, कश्मीरी भी हैं, गैर कश्मीरी भी हैं, गैर मुसलमान भी हैं, और वो साथ में मिलकर यहाँ ईद मना रहे हैं। बात करते हैं कुछ और लोगों से। हर्षमंदर जी, सॉरी आपको खाना खाते हुए डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन ये आज का जो कार्यक्रम है सिंबॉलिक है कि आप लोग सब शरीक हुए हैं ईद मनाने उन लोगों के साथ जो अपने परिवार के साथ ना हो पाए। आने वाले दिनों में जिस तरह से परिस्थिति की, क्या देख के लग रहा है आपको? मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल दौर से अब देश गुजरेगा, गुजरना शुरू हुआ है। हम ऐसा सरकार देख रहे हैं जो संविधान में, संविधान के अक्षर एक अलग बात है, एक भावना है कि इस देश में सब बराबर के हिस्सेदार हैं, आप अलग मज़हब के हों, अलग जाति के हों, अलग भाषा के हों। मुझे 370 आर्टिकल 370 में जो हुआ उसके, उस पर बहस हो सकती है, कानून पे, संविधान पे भी बहस हो सकती है, लेकिन एक जो संवेदना, एक कंपैशन, एक 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 जो दर्द है, उस दर्द में शामिल होना, मुझे लगता है कि जब हमारे कश्मीरी भाई बहन इस वक्त को याद करेंगे, सरकार ने जो किया उससे ज़्यादा जो जश्न देश भर में एक तरह से, जैसे आपने विजय हासिल किया है, एक ही मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट था उस पर हम काबिज हो गए, और अजीब, मतलब मुख्यमंत्री औरतों, वहाँ की औरतों को लाने की बात कर रहे हैं, ज़मीन पे काबिज होने की बात कर रहे हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम, बहुत हिंदुस्तानी हैं, मुझे अभी भी यकीन है कि ज़्यादा हिंदुस्तानी हैं जो इससे सहमत नहीं है, जो कश्मीरी बच्चों को अपने बच्चे, अपने भाई और बहन जैसे मानते हैं। पर कई सारे लोग इस फेसबुक लाइव के दरमियान भी और ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या कुछ अल्टरनेट था, क्या और कोई तरीका सरकार इस्तेमाल कर सकती थी? वो एक बहुत बड़ी बहस है, मुझे लगता है कि अल्टरनेटिव बहुत थी, और सबसे बड़ा अल्टरनेटिव तो यही था कि हम जो वादे हुए थे उसको हम फॉलो करते, और प्रदेश, वहाँ के जो स्टेट के लोग हैं, उन जो फौज की जगह हम लोग और तरीक़ों से इस लंबी लड़ाई को लड़ सकते थे, लेकिन मुख्य बात यह है कि कश्मीरी लोगों को ये जानना ज़रूरी है कि हम उनको अपना परिवार मानते हैं, वो हमें अपना परिवार मानते हैं, और जो यहाँ बच्चे थे वो अपने माँ बाप से बातचीत नहीं कर पाए, उनके साथ ईद नहीं मना पाए, हम भी परिवार हैं, हम साथ में ईद मनाने आए हैं। से बात करने के लिए शुक्रिया। अब बात ईद की हो रही है तो क्यों ना किसी से जाना जाए कि अगर वो श्रीनगर में होते तो इस वक्त ईद के उनके क्या मायने होते, या श्रीनगर की या कश्मीर की ईद के बारे में बात करें। हमारे साथ शारिका आप हैं। शारिका, एक बार फिर आपके पास आएंगे कि आप इस वक्त अगर श्रीनगर में होती, श्रीनगर के ईद के बारे में बताइए कि वो माहौल के बारे में बताइए कि कैसे कश्मीर में ईद मनाई जाती है, इस वक्त क्या माहौल होता अगर ये 370 वाला मसला नहीं होता तो। आई थिंक सभी लोग मस्जिद से नमाज़ पढ़ के अपने अपने घर होते, कुर्बानी कर रहे होते, कुर्बानी ख़त्म हो चुकी अभी तक, हो चुकी होती अभी तक, और लोगों को आसपास बांटने गए होते, अपने रिश्तेदारों से मिल रहे होते, जो आमतौर पर कोई भी एक इंसान करेगा, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताएगा, खुशी बांटेगा इस अच्छे मौके की, तो बहुत आम होगा। जैसे कोई भी कैसा भी खुशी का पर्व मनाया जाता है, जो भी हो रहा है वहाँ बिल्कुल वैसा तो नहीं होता और ना होना चाहिए था। तो
तो यहाँ पे माहौल ये है कि लोग जो जमा हुए हैं वो इसे ईद मना रहे हैं ये नहीं कहना चाहते, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो यहाँ पे ईद मनाने आए हैं। जिनसे भी हमने बात की वो यही कह रहे हैं कि वो लोग यहाँ पे विरोध में आए हैं। एक बार फिर याद दिला दें कि हम दिल्ली के जंतर मंतर में हैं। कुछ और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे साथ बिरयानी के साथ है, आपका नाम बताइए। मैं हम लोग फेसबुक से हैं और आप फेसबुक लाइव पे हैं। आप यहाँ क्यों आई हैं, कार्यक्रम में किस तरह से शरीक? बस ईद में सबके साथ रहने, हमारे कश्मीरी भाई बहन जो सब हैं उनके साथ ईद मनाने आई हूँ। तो ये क्या आपका भी ताल्लुक कश्मीर से है, क्या आपके भी परिवार वहाँ पे हैं जिनसे आप? हाँ जी, मैं बारामूला से बिलोंग करती हूँ कश्मीर में, कश्मीरी सिख कम्युनिटी से। अच्छा, कश्मीरी सिख कम्युनिटी से। हाँ, तो क्या आपकी आपके परिवार से बात हो पा रही है क्या उस? हाँ जी, मेरी मम्मी अभी 8th को वापस आ गए थे, तो अभी फिलहाल मेरी दादी वहाँ पे है, उनसे बात नहीं हो पाई है, बट होपफुली सब ठीक रहेगा। तो आप इनके साथ आज ये सॉलिडारिटी दिखाने के इनके साथ ईद मनाने आई है, इस पूरे मसले पे आप क्या व्यू रखती है? पॉलिटिकली तो मैं कुछ नहीं बोलना चाहती, बट जस्ट ह्यूमैनिटेरियन बेसिस पे मैं यहाँ पे हूँ। मैं अपने स्टेट के लोगों के साथ हूँ, मैं इंडिया के साथ हूँ, हम सब यहाँ पे साथ में ईद मनाने आए हैं। उससे ज़्यादा कुछ मेरे को बोलना नहीं है, आप सब देख सकते हैं कि कितनी। तो आप यहाँ पे बिरयानी लेकर आई हैं? हाँ, मैं अलग सब अलग अलग चीज़ें लेके आए हैं, हम सब सबकी मदद कर रहे हैं, सर्व करने में, साथ में खा रहे हैं, सब अच्छा जा रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। तो आपको भी ईद मुबारक। हम दर्शकों को कुछ और दिखाते हैं कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग अलग तरह के व्यंजन हैं। लोग अपने साथ, कोई अपने घर से, कोई रेस्टोरेंट से, कोई बिरयानी लेकर आया है, कोई फल लेकर आया है, किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं। आप हमसे बात करना चाहेंगी? तो क्या आप कश्मीर से ताल्लुक रखती हैं कि आप इस कार्यक्रम में ईद मनाने इन कश्मीरी युवाओं के साथ? मैं तो पंजाब से हूँ, but what is happening is so terrible. So these kids are here. We are their family. That's it. If we don't do it, who's gonna do it? And tomorrow I'm in need. Who's gonna help me? तो आप यहाँ क्यों आई हैं यहाँ पे? मैं क्यों आई? क्योंकि हमारे बच्चे हैं जो अपने घर नहीं जा सके, उन्होंने कहा ईद अवे फ्रॉम होम, उनका नहीं हम है, दिस इज होम टू, दिस इज आप हमसे कुछ कहना चाहेंगे? आप कश्मीर से हैं, आपको हमने थोड़ी देर पहले सुना था, आप अपनी फीलिंग्स बता रहे थे और आप इमोशनल हो गए थे उस बात पे। ये ईद क्या सोचा था महीने भर पहले, क्या प्लान्स थे आपके? सर, हमने ये सोचा था कि हम ईद पे घर जाएंगे अपने दोस्तों के साथ, माँ बाप के साथ, भाई बहनों के साथ, फैमिली के साथ ईद जो मनाएंगे, पर वैसा हो नहीं पाया। टोटल कम्युनिकेशन ब्लैक आउट है। कम से कम इतना हो जाता कि हम कम से कम बात तो कर पाते, ना जाते घर, यहीं रहते, बात तो कर पाते। पर फिलहाल हमारे साथ ये हुआ है कि टोटल कम्युनिकेशन ब्लैक आउट है, कोई फ़ोन कॉल्स, कोई इंटरनेट, कोई SMS नहीं हो पा रहा है, बात हम बिल्कुल नहीं कर पा रहे हैं। आज सुबह से हमने खाना नहीं खाया, यहाँ पे इतने लोगों ने खाना लाया हुआ है पर दिल नहीं कर रहा कि हम खाना खाएं। माँ बाप के से बहुत दूर है तो खाना किस तरह खाएं ये समझ नहीं आ रहा है। और ईद जो ईद की खुशी होती है, ईद, क्रिसमस, दिवाली, सब खुशियों के त्यौहार है, लोग मिलजुल के इनको मनाते हैं, कम्युनल हारमोनी का मैसेज जाता है। बट यहाँ पे ये है कि हम घर वालों से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप बताएं कि हम किस तरह ईद मनाएंगे जी। तो हमारा सरकार से, और या जो भी लोग, जो लोग सरकार मतलब जो लोग जो है अभी यूनियन को संभाल रहे हैं, उनसे ये अनुरोध है, हमारी डिमांड है कि आप जो है कम से कम जो कम्युनिकेशन ब्लैक आउट है उसको हटाएं, हमें घर से बात, घर वालों से बात करने दें, उसके बाद जो आपके डिसीजन हैं, जो लोग बाकी डिसाइड करेंगे, वो आप जो भी कर लें हमें मतलब नहीं है। फिलहाल हम ये चाहते हैं कि आप कम से कम कम्युनिकेशन रिस्टोर करें और मीडिया को वहाँ जाने दें, मीडिया को वहाँ पर, जैसे बीबीसी ने एक वीडियो अभी 2-3 दिन पहले डाली थी उन्होंने वीडियो, बाकी लोग जो कह रहे हैं गलत है, इसी तरह आप बाकी मीडिया को अलो करें कि वहाँ पर जाकर कम से कम कवर कर पाए, हमें पता चले कि हमारे घर पर हो क्या रहा है, हमारे माँ बाप जिंदा है कि नहीं है, हमारे रिश्तेदार, हमारे दोस्त, हमारे वहाँ के जो लोग अहबाब हैं वो जिंदा है कि नहीं है, हमें बस इतना पता चल जाए। इसलिए हम आपसे भी चाहते हैं कि आप वहाँ जाने की कोशिश करें, जाकर जितना कवर कर पाए, तक हमें पता चले कि वहाँ पर हो क्या रहा है और हमारे घर पर बात हो। और ईद जो ईद की हमें कोई खुशी नहीं। हमें तो यहाँ सभी लोग यही उम्मीद लगा के बैठे हैं कि आने वाले दिनों में हालात जो कश्मीर के हैं वो बदलें और लोग अपने घर वालों से बात कर सकें। कश्मीर मसले पर बीबीसी अपने कवरेज में, आप बीबीसी हिंदी पे, बीबीसी गुजराती पे, इस कश्मीर के जो हालात हैं
और कश्मीर पे जो पॉलिटिकल सिचुएशन बनती आ रही है उस पर कवरेज आप देखते रहेंगे। मेरा नाम है अंकुर जैन, आप देख रहे थे मुझे दिल्ली के जंतर मंतर से। इस फेसबुक लाइव से जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।